था, मेरे साथ बिखर ही जा रही थी, मुझे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजर चाहिए था उसके लिए. दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड यू गाइस, जस्ट शेयरिंग. कंटाल आती है ना चीज में, वो खाने में आती है यार. अकेले बंदे के बंदा क्या ही बना ले. कल मैंने ना दोनों टाइम पे आटे के चीले बनाए, क्योंकि कल थी 11, चावल खाने रहते थे. ये तो मेरा गो टू फूड होता है, चावल बना लो, एक टाइम दाल चावल खा लो और शाम को उसको चावल को फ्राई करके खा लो. जैसे मैं बहुत मूड में होती हूँ बढ़िया से खाना, बट आज तो मैं उस मूड में हूँ और ना ही कल में. तो लाइक मेरा ना ऐसा ऐसा चलता है. कल तो मैंने ना एक या डेढ़ लीटर दूध का था, तो ये अच्छा होता है ना दूध के साथ में. अगर आपको फट भी गया है, सॉरी आपको पीछे आवाज आ रही है, थोड़ा काम चल रहा है, फट भी जाता है तो आप काफी कुछ बना सकते हो. दही भी बना सकते हो आप, दही भी निकाल सकते हो, घी भी निकाल सकते हो. सबको ही फायदे पता है, मुझे समझ नहीं आ रहा सुबह सुबह इतनी करवा सकते हो. चलो नेक्स्ट में नूडल्स. Thank you.
अच्छा है कि इतना दूध बचा हुआ था कि मेरी सवेरे का चाय का काम निकल जाए, क्योंकि सवेरे चाय मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि कल रात का जो दूध फटा अगर ये नहीं होता तो आज वांदे पड़ जाते, क्योंकि दूध मैं शाम को लेती हूँ। चलो अभी चाय बना लेते हैं फटाफट से। यहाँ आपको सब कुछ बहुत एस्थेटिक दिख रहा है, और यहाँ मैंने चीनी गिरा ली है गाइस, पूरा ये चीनी गिरा हुआ है, देख रहे हो आप। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले काम करती हूँ मैं, जितना काम समेट रही हूँ उतना ही बिखरते जा रहे हैं। Here's my breakfast, guys. Noodles बच गया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एक पैकेट में भी आधा अपने लिए कैसे बनाऊं। I'm gonna enjoy this while watching. Almost done with my breakfast. बस थोड़ी सी चाय बची हुई है, वो पीना है मेरे को, और उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी घर के बेसिक वाले काम जो हमको रेगुलर करने पड़ते हैं। तो मेरी टू डू लिस्ट से पहले भी काफी सारे वर्क होते हैं रेगुलर्स के, एंड ऑल्सो मुझे ना कचरा डालने जाना है, मतलब बहुत सारा कचरा हो गया, दो डस्टबिन भर के कचरा हो चुका है बताया आपको, और वो कचरा मेरे को डालने के लिए जाना है, क्योंकि हमारे घर यहाँ पे अभी ये सामने नाली वगैरह बनी थी, तो उसकी वजह से वो कचरा की जो गाड़ी है जो आती है घर के आसपास वो आ नहीं पा रही है, तो काफ़ी सारा कचरा जमा हो गया है नीचे, उसको मेरे को फेंकने जाना है, और आज मैं फेंक ही देती हूँ क्योंकि कल आ जाएंगे मम्मी और पापा। मम्मी मुझे ये बात बोल के गई थी, अगर मम्मी ये बात मुझे बोल के गई है और उनके आने पे वो चीज़ नहीं दिखेगी तो आप जान सकते हो कि मेरा क्या होगा, मेरे को आज ही किसी की हालत में उसको डालना है। बट उससे पहले घर का काम, बट ये सारा कुछ स्टार्ट करने से पहले हम गाना एडिट वन वीडियो जो कल मैंने शूट किया था, मतलब उसमें से एक वीडियो एडिट करूँगी, क्योंकि मुझे अभी शॉर्ट्स अपलोड करना है। सो आई विल डू दैट फर्स्ट एंड देन फिर मैं घर का काम बहुत तेज़ी में स्टार्ट करूँगी। रियली लेट क्योंकि मुझे ट्यूशन्स लेनी है। अभी मैं जा रही हूँ सूरज देवता को जल चढ़ाने के लिए, और इसके बाद फटाफट नीचे भागूंगी और ट्यूशन्स लूंगी। लेट्स गो। गाइज ट्यूशन इज डन, नाउ आई एम गेटिंग रेडी क्योंकि मुझे जाना है बैंक, बैंक के बाद मुझे बिजनेस रिलेटेड कुछ काम है, सो इसीलिए मैं जा रही हूँ बाहर, एंड आई एम वेयरिंग दिस चिकनकारी कुर्ता, क्योंकि मेरा आज बहुत मन कर रहा था कुछ कुर्ता डालने का, बिल्कुल टॉप पहनने का मन नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, एंड मैं कुछ स्ट्रेट फिट कुर्ता ढूंढ रही थी बट नहीं मिला, दिस इज द परफेक्ट फॉर समर, तो मैंने ये पहना। आज मुझे फुल इंडियन वाइब आ रही है, मैंने अपने बालों में से चोटी गुथ के कर ली है, और आई वांट टू वेयर दिस, मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं इसके साथ में, फुल इंडियन वाइब। पता है आपको मैं बैंक जाके फेस भी ओपन नहीं करने वाली हूँ, बट मुझे अच्छा लगने के लिए आई एम वेयरिंग ऑल ऑफ दिस, लाइक मैं लिटरली जाती हूँ ना, मैं फेस कवर करके रखती हूँ, अपना काम करती हूँ, निपटा के आ जाती हूँ, बट या इफ आई हैव अ टाइम आई वांट टू गो एंड ग्रैब वन डोसा, लेट्स सी वो हो पाता है कि नहीं, बट मैं ऑलरेडी लेट हूँ क्योंकि आई थिंक 2 बजे बैंक का टाइम हो जाता है लंच का, ऑलरेडी 12:30 के अराउंड हो चुका है, सो फटाफट से रेडी होते फटाफट से निकलते हैं। आई एम ऑलरेडी, नाउ आई एम गोना गो, थोड़ा काम करेंगे एंड मैं आपसे मिलती हूँ वापस आके। सॉरी मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया, बट आई हैड डोसा आफ्टर माई बैंक का वर्क। एक्चुअली मुझे अपनी ना ब्रांच ट्रांसफ़र करानी थी, घर के पास वाले में लेके आनी थी, तो मैंने वो करवा लिया है, और कल मुझे यहाँ वाले बैंक में जाके थोड़े डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने हैं, और थोड़ा यहाँ पे मुझे काम है बैंक को लेके, एंड ऑल्सो गाइज आई गॉट अ पार्सल,
कल भी मैंने एक ऑर्गेनाइजर खरीदा था और आज आई ऑल्सो हैव वन मोर ऑर्गेनाइजर. तो कल मैंने ज्वेलरी बॉक्स ऑर्गेनाइजर खरीदा था, उसका ऑलरेडी मैं शॉट डाल चुकी हूँ. और आज जो पार्सल आया ना, अभी मैं थोड़ा इत्मीनान से फ्री होके उसकी अनबॉक्सिंग करूंगी और वो भी मैं शॉर्ट्स पे डालूंगी. तो अगर आपको देखना है शॉर्ट्स पे देख लेना, दोनों चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जैसे ही मैं फुल ऑन फ्री होती हूँ उसके बाद इत्मीनान से बैठ के. Guys, it's 11:42 in the night and ये बड़े बड़े से झुमके मैंने डाल दिए हैं. आपको बड़ा भारी भारी सा लग रहा होगा मेरे को देख के, बट ये बहुत लाइट वेट है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है. एक्चुअली मैं शॉर्ट्स फिल्म कर रही थी, मुझे ना इसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग करनी थी जो मैंने मंगाया था. सो इसीलिए मैंने प्रॉपर ऐसे थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो गई हूँ और शॉर्ट्स फिल्म करनी थी मैं. ओके, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने कल मंगाया था. तो इट्स अ ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. मैंने एक प्रॉपर सेपरेट इसका शॉर्ट्स डाला है, तो अगर आप चेक करना चाहते हो तो जाके चेक कर लो प्राइजेज एंड ऑल. अगर आप और अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो मुझे बता देना कॉमेंट्स में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. बहुत ही बढ़िया चीज़ है यार, बहुत ही सस्ती भी थी, 152 rupees की मुझे मिली है और काफ़ी अच्छे से इससे मेरी सारी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज हो गई. बस इसमें ना ज़्यादा बड़ी जैसे मेरे पास एक बहुत राउंड सा, जैसे ये वाला जो है ना, अगर मैं इसको डालने की कोशिश करूँगी तो ये नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ना सिर्फ ये वाला जो है वो एडजस्ट हो सकता है, बट जो मिडिल वाले हैं ना वो एडजस्ट नहीं हो सकते. मतलब इसका तो उतना ही रहेगा स्पेस, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो दूर दूर, लेकिन इसको नहीं कर सकते. तो ये स्पेस काफ़ी छोटा है, इससे बड़ी चीज़ें नहीं जाएंगी, बट इसे मेरी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया. मुझे कल से ये बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर से ऐसा ये क्लियर क्लियर सा है ना, तो सब कुछ बहुत सुंदर सुंदर सा दिख रहा है. बाहर से आप बाहरी से देख सकते हो कि कहाँ क्या चीज़ रखी हुई है. तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे इसकी. बहुत ही बुरी दयनीय हालत में थी यार मेरी ज्वेलरी, लेकिन अभी मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है इसको देख के. अगर आगे मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एक आध और मंगा लूँगी, बट अभी के लिए ये सफिशियंट है मेरे लिए. ओके, द नेक्स्ट थिंग जो आज मैंने मंगाई है उसका भी शॉर्ट्स आपको इससे पहले देखने के लिए मिल जाएगा, तो शायद आप देख भी चुके हो, नहीं देखा है तो इधर ही देख लो. तो मेरे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जो मुझे स्किन केयर प्रोडक्ट्स रिसीव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, और उसकी वजह से जो मेरी अलमारी है ना, अंदर इसका एक पार्ट एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो गया था. मेजर प्रॉब्लम मुझे आती थी कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पीछे ही रह जाते थे, उन्हें मैं यूज़ ही नहीं कर पा रही थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ. और जब भी कुछ एक चीज़ निकालो तो दूसरी चीज़ हमेशा बिखर ही जाती थी. मुझे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजर चाहिए था उसके लिए, और मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रही थी. अब अमेजोन पे ना मुझे हमेशा वो जो प्लास्टिक वाले वो नहीं होते, कलरफुल वाले, वो वाले मिल रहे थे. तो मैंने कहा अगर मैं वही वाले मंगाऊंगी सेम चीज़ हो जाएगी, मुझे उसमें दिखेगा नहीं, और फिर वो जब दिखता नहीं है ना तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है कि चीज़ें रह जाती है. जो चीज़ आपको सामने दिखती है आप सिर्फ वही यूज़ करते हो, बाकी चीज़ें रह जाती हैं, है ना. तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे एक दिन ऐसे दिखा ये क्लियर स्टोरेज बॉक्स वाला थिंग, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं. तो ये वाला लिया है मैंने. इसके जो कंटेनर्स है ना, मुझे काफ़ी इसका जो साइज़ है बहुत अच्छा लगा, काफ़ी बड़ा है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी. जब थिंग इसके अभी मुझे इसे असेंबल करना है, तो इसमें ये ऐसे मैंने 5 वाला लिया है, 1 2 3 4 5, यस 5 वाला है ये. और इसके साथ ऐसा मैनुअल आता है ये, जो मुझे अभी पढ़ के इसको थोड़ा सा सेटअप करना है. इसके साथ ऐसे स्टैंड के लिए ये आते हैं, एंड ये तो ये काफ़ी बढ़िया तरीके से पैक होके आया था इतने बड़े से कार्टन के डिब्बे में, बॉक्स में. दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड यू गाइस, जस्ट शेयरिंग. तो ये निकालने में मुझे काफ़ी तकलीफ हुई, आपको शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएगा, तो आप देख लेना. अभी मैं इसको बैठ के करती हूँ आराम से ऑर्गेनाइज, और मुझे ना इसको जमाने की बहुत जल्दी पड़ी है कि मैं फटाक से इसमें अपना स्किन केयर रखूँ और वो मुझे दिखे. एक्साइटमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा. चलो अभी एक्साइटमेंट को रखते हैं थोड़ा सा साइड में और फिगर आउट करते हैं कि हमको इसको करना क्या है. एक तो सब गिरने क्यों लगता है यार मेरे हाथ से फटाफट. ओके, दिस इज़ द टॉप ऑब्वियसली, क्योंकि ये पूरा पैक्ड है. ये अलग चाय का, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है यार, स्टर्डी है ये, नॉर्मल नहीं है. और ये नीचे जाएगा क्योंकि इसमें ऐसे स्टैंड, इसमें व्हील नहीं है. मैंने देखा है कि काफ़ी सारी चीज उसमें व्हील्स भी आते हैं, तो हम सबसे नीचे वाले से स्टार्ट करेंगे. और मैं आपको रख लेती हूँ यहाँ पे थोड़ा नीचे ताकि आपको पूरा प्रोसेस दिख सके. आ जाओ, अभी आपको यहाँ से सब कुछ प्रॉपर दिखेगा. ओके, सो आई थिंक अभी मेरे को मैनुअल तो मैंने पढ़ा नहीं है, यहाँ पे ऑलिट है, बट देख लेते हैं क्या करना है. ओके, सो हमें आई थिंक ये लगाना है इसमें,
खूबसूरत, अरे मैंने ये तो लगाया ही नहीं। ओके गाइस, तो ऐसे करके हम ये पांचों को लगा लेंगे। मेरे को लग रहा था कि मेरे से होगा ही नहीं, बट इस तो सुपर सुपर इजी यार, ऐसे लगाते जाना है, काफ़ी स्टडी हो रहा है, हिल तो नहीं रहा है। ओके मैं आपको थोड़ा इसको बनाने के बाद मिलती हूँ। तो ये तो बनके पूरा तैयार हो गया है, ढांचा मैंने इसका बना लिया है, बट इसके साथ ना ऐसे चार अटैचमेंट्स आए हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये कहाँ लगेंगे। बाकी तो ये हो गया है, तो मुझे लगता है मुझे इसमें ड्रॉर्स लगाने चाहिए। नीचे लगेगा क्या ये ऐसे? यस, ओ ओ ओ आई फाउंड इट, यहाँ पे लगेगा ये ऐसे इसका। अच्छा ये ऐसे बेस बन जाएगा। ओके 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 आई गॉट इट। अभी मैं चारों लगा देती हूँ फटाफट। गाइस ये तीन तो मैंने कैसे तैसे कर लिए हैं सही, बट ये दो मुझे समझ नहीं आ रहे क्योंकि ये ना इसे नीचे जा नहीं रहा है इसमें। अरे भाई आई थिंक सारे सेम ही साइज के हैं, बट ये वाला नहीं जा रहा है नीचे, दोनों जा रहे हैं। व्हाट वन टू थ्री फोर फाइव, ओके थर्ड स्टेप, पहले डालते जाओ फिर लगाना था क्या? ओके लेट्स डू दैट। आई एम अ बिग टाइम बुद्धू यू गाइस, मतलब मैंने सारा फिर से असेंबल कर दिया एंड मैंने लास्ट वाला उल्टा लगा दिया। लाइक यहाँ ये स्टॉपर आ रहा है, तो ये ड्रॉर ना उल्टा जा रहा है, मेरे को इसको ना पीछे साइड करना था। अभी मेरे को वापस ये सारा हटाना पड़ेगा और इसको वापस से पीछे करना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में कहा था इट्स सो इजी, काफ़ी आराम से हो रहा है। ओके यू गाइस, सो दिस इज़ कम्प्लीटेड और अब मैं करने जा रही हूँ इसे ऑर्गेनाइज। तो ये रहा यहाँ पे मेरा कुछ स्टफ और ये रहा यहाँ पे मेरा कुछ स्टफ। सो अभी मुझे थोड़ा सा प्लान करना है कि मैं इसे कैसे इसमें फिट इन करने वाली हूँ, कहाँ मुझे क्या लगाना है, तो मैं आपको मिलती हूँ अब ऑर्गेनाइज करने के बाद। फाइनली गाइस इट्स ऑर्गेनाइज, सो जल्दी से मैं आपको क्विक टूर दे देती हूँ इसका। अभी मैं सोच रही थी कि इसको इधर रख दूँ या इधर रख दूँ, बट मुझे लग रहा है यहाँ पे ज़्यादा सही है जस्ट मेरे मिरर के बाजू में, तो मेरे को इजी पड़ेगा प्रोडक्ट निकालने के लिए एंड ऑल ऑफ दिस। तो अभी तक तो मेरे को ये यहाँ पे ठीक लग रहा है, बट इफ अगर मैं वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगी ये मुझे वादा करेगा, तो मैं इजिली इसको उधर कॉर्नर पर सरका सकती हूँ। सो ऊपर में इस ट्रे पे मेरा सारा प्रोडक्ट पहले रखा हुआ था, तो मैंने अभी इस ट्रे पे यहाँ पे एक छोटा सा बास्केट रखा है जिसमें मैं जितने भी क्लिप्स निकालती हूँ, ज्वेलरी निकालती हूँ वो डाल सकूँ। यहाँ पे मेरा स्क्रंची का बाउल है, ये एक कोलाजन का डिब्बा था, तो इसमें मैं अपनी कंघी वगैरह रख लेती हूँ। यहाँ पे थोड़े से मेरे जो सीरम्स हैं जिसको अभी मैं यहाँ पे जमाने वाली हूँ, तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स मैं डेली में यूज़ करती हूँ उसको मैं यहाँ पे लगा दूँगी। ओके सो अबाउट दिस रैक, फर्स्ट वाले पे मैंने डाला है अपना मेकअप, ताकि यहाँ पे जब मैं मेकअप करूँ तो मैं पूरा फलारा फैला लेती हूँ उधर पे, तो यहाँ पे जब मैं मेकअप करूँ तो मेरे लिए इजी हो यहाँ से प्रोडक्ट निकाल के डायरेक्ट यूज़ करना। ये यहाँ पे होल्ड कर जाता है क्योंकि यहाँ पे दो ऐसे स्टॉपर्स लगे हुए हैं, तो ये ईजिली इससे हो जाएगा। तो अभी तो मैंने कोशिश की है, मुझे पता है जैसे मैं इसको यूज़ करूँगी तो ये पूरा इसमें खलेरा मच जाना है, पर ठीक है जब तक ये एस्थेटिक लग रहा है इसको रखते हैं। अभी मेरा सिर्फ लिपस्टिक का बॉक्स बाहर रह गया है, ऑलमोस्ट मैंने सारा कुछ डाल दिया है उसमें और मेरे ये कुछ न्यू प्रोडक्ट्स हैं, तो ये मैंने अभी टच भी नहीं किया है, सो इसलिए ये बाहर है। बाकी मेरा सारा पाउच वगैरह, मेरी ये बकेट पूरी खाली हो गई है और सारा कुछ इसमें चला गया है, तो ऑलमोस्ट सब कुछ इसमें जम गया है। नेक्स्ट वाले में सबसे पहले मैंने रखा है, इसमें लास्ट में एंड में यहाँ पे है कुछ टोनर्स, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे साइड में रखे हैं टोनर्स जो कि आपको इस साइड से क्लियर दिखेंगे, ये सारे टोनर्स हैं यहाँ पे भी। और उसके बाद मैंने सीरम्स की रेंज स्टार्ट की है पूरी पूरे, मैंने अपने हेयर सीरम फेस सीरम सब कुछ रख दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे कुछ मेरे, सॉरी फॉर द एंगल गाइस, कुछ मेरे लिप बाम और आई सीरम बचे हुए थे और यहाँ पे स्पेस था, तो मैंने वो लास्ट में डाल दिया, तो ये मेरा सीरम और टोनर का ड्रॉर हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है अपना पीछे मास्क डाले हैं, मॉइस्चराइजर्स डाले जो कि अभी मेरे को यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे सारे मॉइस्चराइजर्स हैं, सनस्क्रीन्स हैं, यहाँ पे मैंने अपना
विटामिन सी वाला डॉट एंड की वाला सनस्क्रीन भी, मतलब इसमें मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन और मेरे पूरे मास्क हैं। इसके बाद ये वाला जो नेक्स्ट ड्रॉर है इसमें मैंने डाला है अपने शैम्पू, बॉडी वॉशेज, फेस वॉशेज, क्योंकि ये मंथली चीज़ें होती हैं, ये रेगुलर में यूज़ नहीं होता है, तो इसीलिए इसको मैंने थोड़ा सा लीस्ट रखा है कि ये बहुत कम खुलने वाला है। तो मैंने अपने सारे फेस वॉशेज, बॉडी वॉशेज और इसमें अपने कंडीशनर और शैम्पूज रख दिए हैं। लास्ट वाला जो ड्रॉर है उसमें मैंने ऐड किया है कुछ लेफ्ट ओवर्स जो कि बची हुई चीज़ें थी एक्स्ट्राज में, ये मेरे थोड़े हेयर प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद यहाँ पे मेरा जेड रोलर है, कुछ बचे हुए पफ्स हैं, मेरा हेयर सीरम है, स्क्रब है, यहाँ पे मेरे फेशियल टेप और अंडर आई पैड्स हैं, स्ट्रेटनिंग ब्रश है और मेरा सिस्का का हेयर स्ट्रेटनर है, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा में बची हुई थी वाली चीज़ें मैंने इस ड्रॉर में कवर की हैं। एंड आई एम प्रिटी हैप्पी विद दिस यू गाइस, ये काफ़ी सुंदर और एस्थेटिक लग रहा है ऐसे। इसमें मेरे को अभी मेरे सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, ये आप देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है ये, और साइड से तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, लाइक नाम सुपर 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 हैप्पी, ये बहुत क्यूट लग रहा है। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए ना, इट्स क्वाइट स्टर्डी, ओके, लाइक ऐसे झूम नहीं जाएगा एकदम से, आप ड्रॉर भी खोलोगे तो ईजिली खुल जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आई एम सुपर हैप्पी विद दिस, आपको लिंक चाहिए तो मुझे बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अदरवाइज अभी ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैं समेटने वाली हूँ, रात के 1:15 हो रहा है, बट आई एम वेरी 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 हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट एंड माय परचेज। मैं आपको मिलती हूँ अपना फेस वॉश करके, चेंज करके एंड नाइट टाइम स्किन केयर करते टाइम। सो मैंने सारे कुछ फिल्म कर लिया है इसका, आई एम सुपर सुपर हैप्पी एट द एंड ऑफ दिस डे, काफ़ी प्रोडक्टिव हो गया। ओके, मैं मिलती हूँ आपको समेट के और सारा कुछ चेंज करके। ओके, नाइट टाइम स्किन केयर एंड आप मेरी आंखों में एकदम तगड़ी वाली नींद देख पा रहे हो क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, बट हैप्पी विद द डे। आई एम अपडेटिंग माई सेल्फ छोटी छोटी चीज़ों से धीरे धीरे एंड आई एम सुपर हैप्पी अबाउट इट। अच्छा लग रहा है यार, मतलब छोटी सी चीज़ है, काफ़ी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा छोटी होगी, बट छोटा सा भी अपग्रेडेशन ना काफ़ी ज़्यादा खुश कर देता है। कल मैंने ज्वेलरी बॉक्स खरीदा ना, वो ऑर्गेनाइज हुआ, इतना सुंदर लग रहा था, मैंने दीदी को भी वीडियो कॉल करके दिखाया, तो मेरे लिए तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ थी। तो ये तो फिर भी लाइक मेरे को और सुंदर सा लग रहा है, तो दिख रहा है। आई नो मैं काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर चुकी हूँ ऑलरेडी उसकी, बट या बट आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर, क्योंकि कल मैं बिल्कुल भी होम अलोन नहीं होने वाली, मम्मी पापा सुबेरे ही आ जाएंगे, उनकी सुबेरे की ट्रेन है 6:30, तो वो घर पे ही होंगे। सो एंडिंग दिस व्लॉग हियर, जा रही हूँ सोने में, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखो, अपना खुश रहो, हम ऑलवेज करो, पहले इतना करो, अच्छा लगता है। ओके, बाय।